सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिजबिस चैनल। और आज आबिद के साथ एक घटना हुई है जो कि आबिद अपनी जबानी आपको सुनाएगा। मतलब ऐसा शायद ही आपने कभी सुना हो, किसी के साथ हुआ हो। आज तक आपने देखा होगा वीडियो में और पिक्चरों में, नाटकों में, लेकिन ये आज सच बता रहा हूँ मैं, जेन्युइन घटना है। मतलब रियल घटना है ये जो कि आबिद के साथ आज घटी है। मतलब सही में कभी नहीं है मेरे सामने, कभी नहीं हुआ। तुम्हारे सामने हुआ आज तक किसी के साथ? आप लोग के सामने भी नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा। तो आज सुनिए आबिद की कहानी, उसी की जबानी। चलिए आबिद बताइए आपके साथ क्या हुआ है आज। यहाँ पे खड़े हो, आ गया इधर, आ जाइए इधर, साफ आएगी वीडियो। नहीं क्लियर नहीं आ गया, क्यों बताओ। आज टेस्ट हुआ ये कि हम लोग जो है जुमे की तैयारी किए थे, पूरे से बताओ, मतलब रात से बताओ लेकर के चाय पिलाने से लेकर के। चाय पिलाने से तैयारी नहीं थी, कल रात में हम लोग जो शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो भाई बोले कि कल जुमा है। हम लोग बोला कल जुमा है, कल तो हम लोग जा नहीं पाएंगे वो शूट पे, समझ लो परसों रखो 1 बजे। फिर उसके बाद रात में आते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं तो कहते हैं चाय पिलाओ दूसरे को। और चाय पिलाने की जब बात शुरू होती है तो वहाँ पे, तो हम बोला पैसा है हमारे पास मगर हम जाएंगे जुमा पढ़ने, वही पैसा पड़ा हुआ है, हम जाके चाय नहीं पिला सकते आप लोग को। मतलब सीधा सिंपल बात, कल रात में चाय की बात हो रही थी तो हम लोग ने कहा चाय पिलाओ, तो हमने कहा अभी तुम पिलाओ, तो कहने का मेरे पास पैसा है लेकिन हमें जाना है जुमा पढ़ने, यानी कि आज जाना था इनको जुमा पढ़ने, कल इन्होंने कहा था कि कल जाना है पढ़ने। आगे बताइए। तो रात में गए, सुबह एकदम नहा धो के तैयार होके पकड़ गए जुमा पढ़ने। अभी आज, हाँ आज एकदम नहा धो के तैयार होके बेहतरीन जुमा पढ़ने निकल गए। और ये चले भी गए, हम लोग चक में नमाज पढ़ते हैं। चक कहाँ पे ये बता दो, बताशा चक यहाँ से, मतलब ये वो वहाँ पे किलोमीटर बता दो, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये बेहतरीन चले गए चक नमाज पढ़ने और मस्जिद में गए, इन्होंने पाया सन्नाटा। फिर क्या रिएक्शन था आपका? सन्नाटा, ये रिएक्शन तो लगता है जल्दी चले आए आज, बढ़ गया। मतलब ये अच्छा इंतजाम, मतलब आज जल्दी चले आएगा नमाज पढ़ने। फिर थोड़ी देर बाद अजान हुई, देख रहे कोई आया नहीं, सारे जमात खड़ी हो गई, हम समझ गए ताला लग रहा है, सब डर तो नहीं गए आज। फिर भी हम देखा जमात के, हम समझ गए कि लग रहा है आज कुछ गड़बड़ है, पढ़ लो नमाज यही में। जो जब हम पढ़ा उसके बाद देखा मोबाइल में देख रहे हैं तो आज जमात है। ये बेहतरीन मस्जिद में गए, ये सोचने कोई आया नहीं, इन्होंने योगी साहब का, मोदी साहब का बहुत डर है लोगों को, इसे कोई नमाज पढ़ ही नहीं आया। बाद में जमात भी नहीं खड़ी हुई, जमात हुई लेकिन जुमे के हिसाब से नहीं हुई, न खुतबा हुआ न कुछ हुआ, बाद में नहीं पता चला। आज तो थर्सडे है, समझे, आज ही हमें भी भेज देते जुमा पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद तुरंत घर पे कॉल किया, हमको बताया नहीं, तुम रात आज गए नहीं, तुम पूछे ही नहीं। फिर से ये लाइन फिर से रिपीट करो। खाली हम गए घर जुमा, मतलब नमाज पढ़ के, जुमरात की जो थी जुमा पढ़ने गए थे, जुमरात ही पढ़ के आए, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद निकले, तुरंत घर के घर पे कॉल किया, हमका जुमरात तो बताया नहीं, लेकिन तुम्हें बताया तो जुमरात जुमरात है आज, तुम कुछ बोले नहीं, नहा धोगे तैयार हो गए निकल गए, तो लगा कुछ बाहर हो गए कहीं, मतलब कहा ऐसे निकलते नहीं घर में 1-2 बजे पहले, आज तक क्या जरूरत थी, निकल गया। आज बेचारा मेरा भाई जल्दी उठा 11 बजे, नहाया धोया देखो साफ साफ एकदम साफ साफ, उसके बाद मस्जिद गया, जुमे नमाज का वेट किया, जुमा पढ़ लिया नमाज, बाद में पता चला कि आज है, आज पता चला आज है थर्सडे और कल है फ्राइडे, तो कल जाओगी कि नहीं? उसके बाद तुमको कॉल किया, अभी आज से कभी भी जाएंगे, सबसे पहले कैलेंडर देखेंगे मोबाइल में, डेट देख के जाएंगे, मतलब डेट नहीं कैलेंडर नहीं, डे देख के मोबाइल, हाँ डे देख के जाएंगे। फिर उसके बाद तुमको कॉल किया, अबे आज तुम रात हम चल पहुंच गए नमाज पढ़ने, ये हमको फोन कर कह रहे हैं कि हम लोग रात में डिसाइड किए थे, हमको ये फोन कर रहे हैं कि हमने 1 बजे फोन किया, हमने कहा हाँ चले आओ, पता है मुझे आज जुमा नहीं है, क्योंकि मुझे रात में पता चल गया था। इतना कौन बेखबर रहता है भाई आबिद, ये सही में सिर्फ पिक्चरों में और नाटकों में होता है, रियल लाइफ में मैंने आज तक देखा। बोले नहीं 1 बजे रात में हमको पता चला, हाँ 1 बजे हमें पता चला, लेकिन पता चल गया ना, हम तो 1 बजे रात में पता चल गया, बहुत बड़ी बात है। मोबाइल हम ध्यान ही नहीं दिए ना वाला चीज, अबे तो सुबह हुई, सुबह देखते माइंड में सेट था ना मैं कि बस जाने ही जाना है, बाहर निकले कोई तुमको कुर्ते पजामे में जब नहीं दिखा तब समझते हम फिक्स है ना, टाइम हुआ नहा धो के बस सड़क से निकलना, कुर्ते पजामे वाले वेट नहीं करते ना भाई, निकल गए हम। तो भाई के साथ आज ये हुआ, जुमे रात को पहुंच गए जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में, बाद पता चला कि आज है जुमे रात।
तो ये कहानी मैंने इस बात तक नाटकों में पिक्चरों में देखा था कि ऐसा होता है कुछ, और ये कोई बनी बनाई नहीं, रियल घटना पे आधारित कहानी है। इसकी वीडियो अटैचमेंट दे देंगे, वहाँ पर है वीडियो भी। जुमे की? चलो वो वीडियो भी मैं लगा दूंगा, लेकिन उसमें वो कैसे दिखाओगे डेट टाइम, लेकिन सब समझ गए, झूठ नहीं बोलोगे, ये कहानी झूठ नहीं बोल सकता कोई, तो ये रियल घटना पे आधारित है। तो ये कहानी अभी भाई खत्म करते, बहुत लंबी हो गई, 5 मिनट की हो गई। देखते हैं आगे अभी जो करते हैं हम लोग वो दिखाते हैं, वरना फिर यही खाली एक इनके आज कहानी डाल देंगे ब्लॉग में, उसको बहुत मजे की है। तो भाई हम लोग का शूट हो चुका है कंप्लीट, सो अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। इधर से वीडियो थोड़ा खाली आ रही है, ये हम लोग का वीडियो शूट हो चुका है। आबिद भाई पैक कर रहा है ट्राईपॉड, और हम लोग का वो कहाँ कैमरा और सारे क्रू मेंबर कहाँ चले गए? अच्छा, सबको हम लोग जल्दी छुट्टी दे देते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर हैं हम लोग, सबको छुट्टी दे दिया। सो हम लोग अब हम लोग जा रहे हैं घर, और अब लोग जाएंगे, सब खाएंगे दिन का खाना पीना और आराम करेंगे, स्ट्रगल बहुत है। सो प्लीज़ हम लोग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग थोड़ी सी देर के बाद। सो गाइस, जैसा कि आपने आज व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं देखा होगा, आबिद की स्टोरी सुना होगा। सो ये आबिद की स्टोरी थी हमारे, जो हमारे आबिद के साथ आज घटना घटी है। तो कल हम लोग एक गेम रखे हैं, उस गेम को हम लोग खेलेंगे, तो वो उसमें आप लोग को मेरे हिसाब से आई हो बहुत मज़ा आने वाला है, और प्लानिंग तो अच्छी है हम लोग की। अब देखते हैं वो प्लानिंग के हिसाब से काम अगर होगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो फिर कल मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छे और शानदार व्लॉग के साथ। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर किसी के साथ ऐसी कुछ घटना हुई हो कभी तो इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। बाय बाय।